प्रज्ञा ठाकुर ने अपने मनोविज्ञान के हिसाब से बात की है। जिसकी आई है वो गया, कोई जादू टोना नहीं, जैसे फालतू की बातें। अगर ऐसे अगर इन्हें करना होता तो ये डायरेक्ट दूसरे बड़े को मारते ना, ये छोटे 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 को क्यों मारते? कठिन समय चल रहा है। मैं जब चुनाव लड़ी उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय के कर्मठ, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है। आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, और ये होने वाला है। उन महाराज जी की बात को मैंने उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए। दोस्तों, हम हैं भोपाल पे और आज हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ भोपाल की जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने जो बयान दिया है कल कि विपक्षी नेताओं ने एक मारक शक्ति का उपयोग किया और उस पर उनका खूब मजाक भी बनाया जा रहा है। इस तरीके के सोशल मीडिया में चुटकुले चल रहे हैं कि भोपाल की जनता ने किस नमूनों के चुन लिया है, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। तो इस पर हम लोगों की राय जानेंगे कि प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान के बाद भोपाल के लोगों का क्या कहना है। इस पर हम विश्वास नहीं रखते, ये चीज़ें फालतू चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका जो बयान है वो बेबुनियादी बयान है, ऐसा कुछ नहीं होता। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है कल कि विपक्ष जो है वो जादू टोना या मारक शक्ति का उपयोग कर रहा है हमारे नेताओं को मारने के लिए। तो इस चीज़ का काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा है, तो इस विषय में आपके उनके इस बयान पर आपकी क्या राय? मेरी तो ये राय है कि जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर साहब जो हैं, मैं सांसद हैं भोपाल, पहली बात तो बहुत साध्वी हैं, उनमें बहुत ज्ञान है, उनको ये सोच समझ कर कहना चाहिए। ये तो ईश्वर की तरफ से आई हुई एक आपदा मान लीजिए आप, कि साहब वो एक ही पार्टी के लोग शांत हो रहे हैं या उनके इंतकाल हो रही है, कुछ भी है, मगर ये ना ये कहना उचित नहीं है उनको एक राजनीति के उस पर कि कोई पार्टी जादू टोना करा रही है। अगर करा रही होती तो सोनिया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। लोग सोशल मीडिया में भोपाल का मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भोपाल ने ऐसा कैसा सांसद चुन लिया। तो ये सही कह रहा है, ये सोच है आज के युवा, अगर पढ़े लिखोगे ये सोच है, ये सही कह रहे हैं कि एक मतलब एक साध्वी को भी सांसद बना दिए तो उसको एक संत कहते हैं अपन, उनमें ये उनका एक कथाकथित वाक्य कहना कोई उचित नहीं रखता। आपको तो पता है कि भोपाल के जो सांसद हैं कल उन्होंने जो बयान दिया मारक शक्ति का नाम पे कि विपक्ष जादू टोना करके भाजपा नेताओं को मार रहा है, इस तरीके की बात उन्होंने कल एक श्रद्धांजलि सभा में कही। तो इसके बाद सोशल मीडिया में उनका काफ़ी मजाक उड़ रहा है कि किस तरह के का सांसद भोपाल के लोगों ने चुन लिया। आपका उनके इस बयान पर कि विपक्ष की जादू टोने का उपयोग कर रहा है, आपका क्या कहना है? राजनीति इतनी बुरी चीज़ है कि नेता लोगों को ही मार रहा हूँ, वही जादू टोना कर रहा हूँ, तो ये कौन, ये भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी है कि कोई दूसरा राजनेताओं पर जादू टोना करके उनको मारा जा रहा है, बल्कि नेतागिरी इतनी बुरी, नेता लोगों को मरवा रहा उनके अपनी वफाद के खातिर, उनका फ़ायदा होना चाहिए, राजनीति इतनी बुरी चीज़ है। आप लोग में से कोई बताएंगे, बोलना चाहेंगे? प्रज्ञा ठाकुर जो यहाँ की सांसद हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो जादू टोने का उपयोग करके भाजपा नेताओं को एक एक करके मार रहे हैं, जिसके बाद से ये बयान उनका काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सर अब क्या कहें, वो तो सब दुनिया जानती है, कहना तो कुछ नहीं है, बहुत समझदार हैं। आप लोग में से कोई कहना चाहेंगे? जादू टोना को कोई चलता नहीं है आज की दुनिया में, मानो तो सब है नहीं, मानो तो कुछ भी नहीं है, जब सब ये सब फालतू की बातें हैं। बतौर भोपाल, चूंकि आप लोग भोपाल के हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है कि इस तरह के बयान का क्या मतलब माना है? ये सब फालतू की बातें हैं। ये जो जादू टोने की बातें हैं सर, ये तो बेकार है, ये सब चीज़ें आज के वक्त में तो नहीं मानी जाती, आज के वक्त में जादू टोने की बातें नहीं मानी जाती। हमारी सांसद महोदय जो कह रही हैं ये गलत है। भोपाल की जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर,
उन्होंने कल श्रद्धांजलि सभा थी जो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी की, उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष मारक शक्ति का उपयोग करके भाजपा के नेताओं को एक एक करके मार रहा है और उन्होंने जादू टोने की बात कही। इस पर भोपाल की जनता का सोशल मीडिया में काफ़ी मजाक उड़ा रहे हैं लोग कि इस तरह का जो बयान है उस पर, तो इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी इसमें ये प्रतिक्रिया है कि जो प्रज्ञा ठाकुर हैं हमारी भोपाल की सांसद, वो साध्वी हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, साधना करती हैं, ईश्वर से उनका संवाद होता है, जो भी उनकी भावना है, तो उसी जिस वो क्षेत्र में हैं उन्होंने उसी क्षेत्र के हिसाब से अपनी बात की है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको वो बीमारी बताएगा, किसी तांत्रिक के पास जाओगे वो बीमारी बताएगा, हकीम के पास जाओगे वो बताएगा, और घर में जाओगे तो माँ कुछ और बताएगी, बेटा ये अदरक पीस के खा लो इससे तुम्हारी खांसी दूर हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि अदरक और शहद मिला के खा लो। ऐसा है, हर आदमी की अपनी अपनी मनोविज्ञान है, तो प्रज्ञा ठाकुर ने अपने मनोविज्ञान के हिसाब से बात की है। अरे साहब, ये कोई बात नहीं है, जिसकी आई है वो गया, कोई जादू टोना नहीं होता, किसी तरह का कुछ नहीं होता, जिसकी आई है वो जाएगा। इतने सारे लोग मर रहे हैं कि वो जादू टोने से मर रहे हैं, बाढ़ में मर गए, भूकंप में मर गए, उन पर तो कोई कह ही नहीं रहा। तीन नेता मर गए तो सारे जमाना कह रहा है कि उन पर ये हो गया, उन पर वो हो गया, ये सब गलत बात है। और जादू टोना होता तो पहलवान कुश्ती को लड़ता, लोग टूर्नामेंट को खेलते, लोग क्रिकेट को खेलते, वैसे जादू करके जीत जाते, मैं अपने लड़के को चैंपियन बना देता, ये सब गलत बात है, कोई इन बात में कुछ नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। मतलब इस पर तो हमारी ये राय है कि ये तो साधु और तांत्रिक लोगों का काम है, और प्रज्ञा ठाकुर तो खुद एक साध्वी हैं, वही ये काम कर सकती हैं, बाकी विपक्ष के अंदर तो ऐसा कोई आदमी है नहीं साधु और तांत्रिक। नहीं, असल में जिस दौर में भारत चंद्रयान 2 की बात कर रहा है, जिस वक्त भारत स्पेस की बात कर रहा है, उस दौर में ये जादू टोने की बातें, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, इस पर हम यकीन नहीं करते। आप क्या? हम यकीन नहीं करते इन बातों पर, ये जादू टोने वाली बातों पर हम कोई यकीन नहीं करते। तो मतलब ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान माने आप? तो भाई ऊपर वाले भाई ये तो वो तो बरक है, जिसको मौत आना है आएगी और चली जाएगी, भाई उसमें किसी का जादू टोने का कोई काम होता ही नहीं है, उसके लिए कोई नहीं रुकेगा, उसके लिए कोई अगर ऊपर से मौत आ गई, ऊपर वाले ने लिख दी है तो उसको जाना है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई बड़ा नेता हो, वो तो जाना है, उसको सबको जाना है एक दिन।